नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ हमारे भारतीय वास्तुशास्त्र में बताए हुए ऐसे तीन चीज़ों के बारे में, जो तीन चीज़ों को आपको अपने घर में अवश्य रखना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, अगर आप उन तीन चीज़ों को अपने घर में रखते हो तो आपके घर के ऊपर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद रहेगा और आपको कभी भी कोई भी आर्थिक समस्या बिल्कुल भी नहीं आएगी और आपके घर में कोई भी सदस्य कभी भी बीमार नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आपको जानना है कि कौन सी है वो तीन चीज़ें जिसे आपको अपने घर में अवश्य रखना चाहिए, तो दोस्तों यह सब जानने के लिए आज की इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है स्वप्निल और आप देख रहे हैं आपका ही यूट्यूब चैनल ऑल इन्फो अपडेट। सबसे पहली जो चीज़ है वह कौन सी है दोस्तों, कि चंदन। जी हाँ दोस्तों, आपको अपने घर में चंदन अवश्य रखना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, हमारे भारतीय वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर आप अपने घर में चंदन रखते हो तो आपके घर में कोई भी व्यक्ति बीमार नहीं पड़ेगी और आपके घर में कभी भी आर्थिक समस्या बिल्कुल भी नहीं आएंगी। यानी कि आपके घर के ऊपर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद रहेगा। तो दोस्तों आप इस बात को ध्यान में रखें और आप अपने घर में चंदन ज़रूर रखें। जो दूसरी चीज़ है वह कौन सी है दोस्तों, कि वीणा। जी हाँ दोस्तों, जो वीणा नाम का जो वाद्य होता है उसे आपको अपने घर में अवश्य रखना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, अगर आप अपने घर में वीणा नाम का जो वाद्य होता है उसे अगर रखते हो तो आपके घर के ऊपर माता सरस्वती का आशीर्वाद रहेगा। क्योंकि दोस्तों, जो वीणा होता है वह माता सरस्वती का एक प्रतीक माना जाता है। तो दोस्तों आप इस बात को ध्यान में रखें और आप अपने घर में वीणा नाम का जो वाद्य होता है उसे अवश्य रखें। जो तीसरी चीज है वह कौन सी है दोस्तों, कि घी। जी हाँ दोस्तों, वही घी जो आप भगवान के प्रसाद में डालते हो। तो दोस्तों आपको अपने घर में जो खाने का घी होता है उसे अवश्य रखना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, हमारे भारतीय वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर आप अपने घर में जो खाने का घी होता है उसे अगर रखते हो तो आपके घर के ऊपर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद रहेगा और आपको कभी भी कोई भी आर्थिक समस्या बिल्कुल भी नहीं आएंगी। तो दोस्तों आप इस बात को ध्यान में रखें और आप अपने घर में जो खाने का घी होता है उसे अवश्य रखें।